हेलो नमस्कार। अगर आप एक 10वीं पास के स्टूडेंट हैं और आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो आज ये वैकेंसी देख सकते हैं। एकदम सीधी भर्ती है, पहली बार जून या मई के महीने में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है, और तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि चौकीदार और चपरासी की काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसमें दे रखी है। बिना एग्जाम बिना कुछ किए आप लोगों को सीधा फॉर्म भरें, हो सकता है कि आपको बिना एग्जाम दिए नौकरी मिल सकती है। जी हाँ, खुशखबरी है, जुलाई माह तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। पूरा विज्ञापन देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शॉर्ट वीडियो की बात करूं, छोटी सी पहली जानकारी दूं। सबसे पहले तो इसकी ये ऑफिशियल साइट है जहां से आप लोग देखेंगे, कहीं पर भी किसी भी साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इसकी साइट पे आइएगा, होम पेज पे ही आपको दिख रहा है राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान रांची। रांची से निकली हुई वैकेंसी है। जिसमें विज्ञापन की बात करूं तो इसका यह वाला विज्ञापन है जिसमें अपन अभी बात करने वाले हैं, और यही विज्ञापन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा ताकि आप लोग खुद इसकी जानकारी लें। इसी दौरान एक और विज्ञापन है जिसका काफी लंबे से चलता हुआ आ रहा है, यानी कि बात की जाए 8 मई से इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसकी इंक्वायरी मुझे अभी नहीं है, लेकिन इंक्वायरी भी इसके लेंगे और इसके बारे में भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, आने वाले हर एक छोटे बड़े विज्ञापन की जानकारी के साथ आपको हमेशा अपडेट किया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, मैंने यहां पर क्लिक किया और क्लिक करते एक नया पेज ओपन हुआ। वही पेज है, 27 पेज का पूरा विज्ञापन है, यानी कि एक एक छोटी छोटी जानकारी इस विज्ञापन में दे रखी है। 10वीं पास है, 10वीं पास है तो कितनी परसेंटेज आपके पास होनी चाहिए, एप्लीकेशन फीस का इसमें क्या वीरो होगा, इसमें कितनी पोस्ट है, इसमें एसटी की है, कितनी पोस्ट है ओबीसी की है, क्या अदर राज्य के इसमें आवेदन कर सकते हैं, झारखंड राज्य से जो निकली हुई वैकेंसी है क्या इसमें हकीकत में बिना एग्जाम दिए आप लोग नौकरी मिल पाएगी, इन सारे सवालों के जवाब इस 27 पेज के विज्ञापन में मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए, राजेंद्र आयुर्वेद संस्था चतुर्थ श्रेणियों की वैकेंसी नियुक्ति विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन की मैं बात करूं तो 20/5 को ही इसे संस्था ने जारी किया था, लेकिन विज्ञापन और आज से इसमें आवेदन हो रहा है, इस वजह से इसका विज्ञापन मुझे अभी मिला है। लेकिन यहां पे देखें, आवेदन की अंतिम तारीख और आवेदन की शुरुआती तारीख यहां पे देखी जाए तो ये देखिएगा, करीबन 19 जून तक आप लोग आवेदन करेंगे। आयुर्वेद संस्था चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी होगी 5 बजे तक, और ऑफिशियली साइट का नाम लिया जाए तो ये ऑफिशियली साइट है, यहीं से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के पद होंगे, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन होगी, वहीं पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ज्वाइनिंग कहीं पर मिल सकती है, तो आपको बता दें कि ये इसमें उच्च न्यायालय में ही मिलेगी, हाई कोर्ट से निकली हुई वैकेंसी है, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आगे और चीजों की बात की जाए तो परीक्षा शुल्क, सबसे पहले इसमें परीक्षा शुल्क का जिक्र किया गया है। तो परीक्षा शुल्क की मैं बात करूं तो यहां पर ₹600 आवेदन एप्लीकेशन फीस। अब देखिएगा, सीधी भर्ती होगी तो जरूर इसमें पैसा लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इसी से पैसा निकालना होगा, तो यह भी देख लीजिएगा। अब इसमें परीक्षा शुल्क के साथ एससी एसटी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को क्या सुविधा होगी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहीं पे क्लियर होगा कि क्या आप, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, क्या इसमें आवेदन कर पाएंगे। झारखंड के स्टूडेंट तो करेंगे, उसके अलावा इसमें और राज्य के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, वो यहां पे क्लियर करते हैं। तो देखिएगा, यहां पे मैं पहली लाइन क्लियर करूं तो यहाँ पे दे रखा है, झारखंड अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग परीक्षा शुल्क देना होगा ₹150, यानी कि ₹150। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति जो जाति कोटा दिया जाता है अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के लिए परीक्षा शुल्क भरने के लिए, रिक्त करने के लिए आवेदन पत्र रद्द करते हुए उन अभ्यर्थियों को समाप्त कर दिया जाएगा जिन्हें बिना सुरक्षा भुगतान किया हुआ ऐसा स्वीकार किया जाएगा। यानी कि इस मोटी लाइन में ये लिखा है कि आप झारखंड के निवासी होने चाहिए, अगर आप बिना एप्लीकेशन पेमेंट दिए हुए आप फॉर्म भरते हैं तो अस्वीकार यानी कि रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब भुगतान प्रक्रिया, आप लोग ऑनलाइन यूपीआई बैंक या जो भी है आपके पास क्रेडिट कार्ड, उसके तरीके भी से आप लोग जमा करवा सकते हैं। ये हुआ पेमेंट का। अब यहां से देखिएगा, इसमें जो पद है उसकी बात की गई है, यहां पे कौन सी पोस्ट कितनी है कितनी नहीं है उनकी यहां पे जानकारी दे रखी है। इसी दौरान अपन बात करें यहां पे बॉय लैब्स या प्रयोगशाला असिस्टेंट, यहां पे टोटल वैकेंसियों का जिक्र किया हुआ है। मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो यहां पे करीबन 230 वैकेंसी इसमें दे रखी है, जिसमें महिलाओं को 5% आरक्षण दिया जाएगा और निसंतान जनक को यहां पे
4%, खेल कूद वाले कोटे के उसमें 2% है, और आदि जनजातियों के यहाँ पे 2%। यानी कि ऐसा है कि आपके पास मान लीजिए खेल कोटा का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% तक फायदा होगा, तो आप लोग लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं लगाएं। परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पूरा अभ्यर्थी जो विज्ञापन है उसको देखें, जांचें, उसके बाद आवेदन करें। आवेदन करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। यानी कि इसमें पद कोड है, वो पदों की बात अपन कर चुके हैं, लेकिन पद के साथ आपको मैट्रिक लेवल 1 के सहित वेतन होगा 5,200 रुपए, 20,000 रुपए, 1,800 ग्रेड पे के अनुसार योग्यता। अब योग्यता भी आ चुकी है, देख लीजिएगा, मैंने पहले ही कहा था 10वीं पास इसमें दे रखी है, तो 10वीं पास वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे। मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्था मैट्रिक 10वीं पास। अब कई विद्यार्थियों के मन में सवाल होगा कि मैं झारखंड का हूं, मैं झारखंड का तो हूं लेकिन मैं बिहार का भी हूं, क्या मैं इसमें आवेदन कर सकता हूं? तो इसके लिए आपको आगे बात करें तो यहां पे देखिएगा, अभ्यर्थी उपरोक्त पदों के लिए विरुद्ध आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, अंतिम तारीख से पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा। झारखंड के अब जो भी विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी इसमें अनिवार्य होंगे। अब इसमें देखते हैं आगे क्या होगा, परंतु यह झारखंड राज्य के आरक्षित नीति या फिर अभ्यर्थियों के मामले के झारखंड जो अस्थायी रूप से हैं उन्हें 10वीं उत्तर संबंधी प्रावधान दिया जाएगा। इसमें खेलकूद संबंधी मैं यहां पे ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है इसकी मैं बात करूं तो यहां पे देखिएगा, इसमें दे रखा है झारखंड राज्य के आरक्षण नीति के अनुसार अभ्यर्थियों के मामले जो झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त दी जा रही है, शिक्षक योग्यता दी जा रही है, मेरी जो मैट्रिक है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है उससे संबंधित है वही इसमें। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ से ये क्लियर हो रहा है कि आप लोग सिर्फ झारखंड के ही विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अदर राज्य के स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये बार बार ये लाइनें बोली है, क्योंकि पहले मैं क्लियर कर रहा था कि इसमें हो सकता है ऑल इंडियन वैकेंसी हो भारत के सभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब इसी लाइन से क्लियर हो चुका है कि आप लोग सिर्फ झारखंड के ही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, जिनके पास अभ्यर्थियों के अनुभव है उनकी सीधी भर्ती होगी, ये पॉइंट भी क्लियर कर ले, सीधी भर्ती उनकी नहीं होगी। जो पहली बार जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनकी यहाँ पे कोई बिल्कुल एग्जाम होगी, जो अगर जो जिनके पास एक्सपीरियंस है किसी भी हॉस्पिटल में या फिर हाईकोर्ट में आप अप्रेंटिस के रूप में वहां पे वर्कर्स हैं तो आप लोगों की सीधी भर्ती होगी, ये पॉइंट भी क्लियर कर लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा इसमें करीबन 18 से 24 वर्ष तक का विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, और भी देखिएगा 18 से 24 वर्ष या फिर नियम अनुसार जो भी एससी एसटी कैटेगरी को यहाँ पे दिया जाएगा 35, 37, 38 और 40 वर्ष तक का विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें रिजर्वेशन की सुविधा अलग होगी। इसमें और चीजों की बात की जाए तो 10वीं की झारखंड राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त स्थानीय को यह अनिवार्य किया जाएगा, ये देखिएगा। अब ये पॉइंट बिल्कुल साफ शब्द लफ्जों में क्लियर हो चुका है कि उत्तीर्ण होने वाले अनिवार्य ही होगा, परंतु झारखंड राज्य आरक्षित नीति के अनुसार झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शिक्षक योग्यता संबंधित जो बैठक परीक्षा में बैठा जो की जाएगी उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो यानी कि सीधी भाषा में बात करें तो इसमें 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थी 600 रुपए एप्लीकेशन फीस, एग्जाम जिनकी होगी, जिन्होंने पहली बार इसमें आवेदन किया है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी सीधी भर्ती होगी। तो ये थोड़ा पॉइंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों को दूंगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप पर्सनल हमारे इंस्टा पेज पर आ सकते हैं, वहां से भी आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। न्यू वैकेंसी के साथ फिर एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।